दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ हिम्मत और साहस के बारे में। दोस्तों, हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। यही वो समय है जब एक इंसान की असली परीक्षा होती है। ज़्यादातर लोग अक्सर इस समय टूट जाते हैं और अपने धैर्य को खो देते हैं। लेकिन इंसान को चाहिए कि वो ऐसे समय में विवेक से काम ले, अपनी शक्तियों को ना भूलें और तनिक भी ना घबराएं, क्योंकि इंसान का साहस ऐसी चीज है जो हर समस्या को हरा सकता है। दोस्तों, किसी जंगल में एक गधा रहता था। एक बार गधा जंगल में घास चर रहा था, अचानक वहाँ एक भेड़िया आ जाता है। वो भेड़िया सोचता है कि क्यों ना आज इस गधे को शिकार किया जाए। काफ़ी तंदुरुस्त गधा है और ज़्यादा मांस भी होगा। 2-3 दिन तक खाना हो जाएगा। यह सोचकर वो गधा के पास पहुंच जाता है और बोलता है, अरे गधे, 13 दिन अब ख़त्म हुआ, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। अचानक गधा हक्का बक्का रह जाता है और बुरी तरह घबरा जाता है। फिर भी वह साहस नहीं छोड़ता। फिर कुछ सोचकर भेड़िये से बोलता है, आपका स्वागत है श्रीमान, मुझे कल साक्षात भगवान ने सपने में आकर कहा था कि कोई बड़ा दयालु और बुद्धिमान जानवर आकर मेरा शिकार करेगा और मुझे इस दुनिया के बंधन से मुक्त कराएगा। मुझे लगता है कि आप ही वो दयालु और बुद्धिमान जानवर हैं। भेड़िया सोचता है कि वह ये तो खुद से ही मेरा शिकार बनने को तैयार है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसको मारने में। गधा फिर बोलता है, लेकिन महाराज, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करें। भेड़िया बोलता है, हाँ क्यों नहीं, कहो क्या तुम्हारी इच्छा है। गधा विनम्रता से बोलता है, महाराज, मेरे पैर में एक छोटा सा पत्थर फंस गया है, क्या आप उसे निकाल देंगे। भेड़िया खुश होकर बोला, वाह, इतना काम अभी करता हूँ, कहाँ है पत्थर। फिर भेड़िया गधे के पीछे जाकर जैसे ही उसके पैर के पीछे गया, गधे ने भेड़िये के चेहरे पर इतनी ज़ोर से लात मारी कि भेड़िया बहुत दूर जा गिरा। फिर उसके बाद गधा पूरी ताकत के साथ वहाँ से भाग निकलता है। भेड़िया देखता रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी मात्र नहीं है, इस कहानी में आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल छिपा है। आप चाहें तो भेड़िये रूपी परेशानियों के आगे हार
मान सकते हैं या उन परेशानियों को अपने साहस के दम पर हरा सकते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ विलक्षणता जरूर होती है और परेशानियां तो जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। कोई अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, परेशानियां तो सबको आती है और आपके अंदर वो क्षमता भी है जो समस्याओं को हरा सकती है। बस ज़रूरत है तो हिम्मत दिखाने की, साहस से काम लेने की। परेशानी बड़ी नहीं होती है बल्कि हमारे विचार ही समस्याओं को बड़ा या छोटा बनाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है कि हर परेशानी का हल ज़रूर होता है, बस हिम्मत नहीं हारना चाहिए और विवेक से काम लेना चाहिए। हमारी YouTube चैनल और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें अभय के राजपूत।